प्रोफेसर थे जिसके साथ मैं इस एरिया की कटाई करने आता हूँ। तो इस कटाई को आज दूसरा दिन है। इस वक्त जो वीडियो आप बनती देख रहे हो, यहाँ पे टेम्परेचर इतना हाई है कि अगर मैं मोबाइल से एक मिनट के लिए वीडियो बनाता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मोबाइल को आग लग गई है। ये पाकिस्तान का एरिया सबसे ज़्यादा गर्म होने वाला है। तो इंशाल्लाह मैं एक टेम्परेचर मीटर आपको लगा के जो है मैं दिखाऊंगा, हाइड्रोमीटर जिसे बोलते हैं, तो उस पर हम टेम्परेचर भी जो है मेजर ज़रूर करेंगे। तो बाकी यहाँ पर अगर मैं छाँव में भी खड़ा हूँ तो मुझे गर्मी महसूस हो रही है। अगर धूप में इंसान खड़ा होकर काम करे तो शायद ही है कि वो काम कर पाए। वहाँ पर जो ऊपर से आने वाली गर्मी है, सूरज की जो रेडिएशन है, इस तरह पड़ती है जिस तरह कोई डायरेक्ट आग लग रही हो, इंसान की तरफ बढ़ रही हो। तो बात करने का मकसद ये था, एक तो यहाँ पे पानी बहुत गहरा है, अगर इंसान पीने के लिए पानी की तलाश में है, अगर यहाँ पे कोशिश करे, पानी बहुत मुश्किल मिलने वाला है। अगर कोई किसी को चाहिए होता तो वो काफ़ी दूर 3-4 किलोमीटर जाके वहाँ से पानी लेके आता है अपने पीने के लिए। दूसरे इलाकों से सबसे पहले जो है वहाँ गंदम जल्दी हो जाती है तैयार, तो यहाँ पे काटने भी इंसान को आसान होती है। लेकिन जब मशीनरी चल रही होती है फील्ड के अंदर तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे रहता है और मशीनरी भी गर्म हुई होती है, तो हो सकता है मशीन को खदशा होता है कि कहीं यहाँ पे कोई हादसा ना हो जाए जिसकी वजह से इंजन वगैरह ख़राब हो या अल्लाह ना करे कोई मसले मसाइल बन सकते हैं। तो बाकी रात के टाइम लेट एट नाइट तक यहाँ पे फर्क चलता रहता है। जिस तरह अमूमन आप देखते हो किसी इलाकों में नमी पड़ जाती है तो वहाँ पे रात तक काम नहीं चलता, तो यहाँ पे नमी का कोई ऐसा खदशा नहीं होता क्योंकि दिन में गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहती है, टेम्परेचर की वजह से नमी ख़त्म हो चुकी होती है। अगर नमी आती भी है तो आज से एक माह पहले तक कुछ नमी यहाँ पर रहती है। तो यहाँ पर कटाई कुछ बड़ी है अभी जो आप मेरे पीछे देख सकते हो। अभी मेरे पास जो मोबाइल है, मैं धूप में खड़ा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह आग के करीब खड़ा हूँ। तो गर्म हवा और यहाँ के जो तपश है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये गर्म इलाके जो हैं आप लोगों को भी विज़िट करने चाहिए, देखने चाहिए। और बिल्कुल करीब ही साथ यहाँ पे तकरीबन 2 किलोमीटर दूर इंडिया का बॉर्डर है जो काफ़ी नज़दीक पड़ता है इस इलाके के लिए एक पूरा व्लॉग लेके आऊँगा और इंशाल्लाह आपको वो पसंद ज़रूर आएगा। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, दिन ब दिन यहाँ पे गर्मी बढ़ती है तो हमेशा मुझे छाँव में चलना पड़ता है। धूप में जाऊँ तो वहाँ पे चलना ही मुश्किल हो जाता है। मेरे पास अब पानी भी नहीं है, एक तो रमज़ान शरीफ का महीना है और यहाँ पे बिल्कुल जो है वहाँ पे रोज़े भी नहीं रखे जाते, इस वजह से कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा। कुछ हज़रात रखते हैं लेकिन वो ज़्यादातर धूप में बाहर नहीं निकलते, अगर निकलें भी तो कुछ देर के लिए। तो बाकी ये इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी जो नया व्लॉग आपको दोस्तों को देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।